वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर। गाइस, यदि आप लोग भी गर्मी से परेशान हैं और आपके कूलर के अंदर का पंखा चल नहीं रहा है तो गाइस आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताते हैं यदि आपके कूलर के अंदर का पंखा नहीं चल रहा है तो इसे आप लोग घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस कूलर के अंदर जो पंखा लगा हुआ है यह आपका पंखा कम से कम 3-4 तरीके से खराब हो सकता है। 3-4 समस्याओं की वजह से आपके कूलर का पंखा नहीं चलता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि गाइस हम आप लोगों के लिए जो 3-4 तरीके हैं एक एक करके पूरी जानकारी आप लोगों के लिए इस वीडियो में देने वाले हैं, ताकि गाइस यदि आपके कूलर का पंखा भी नहीं चल रहा है तो गाइस इस स्थिति में आप लोग उस कूलर को अपने घर पर ही ठीक कर सको। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है, लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल काला पीला हरा जैसा भी आपको सब्सक्राइब का बटन दिखे उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। चलिए गाइस अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहली समस्या क्या हो सकती है आपके कूलर को ठीक करने में, तो चलिए गाइस सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर गाइस आपके कूलर की मोटर है यानी कि कूलर का पंखा लगा हुआ है जो कि जिसमें आपके कूलर में प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस नंबर एक प्रॉब्लम आपकी ये हो सकती है कि आपके कूलर का जो मोटर है ये जाम हो चुका है। हाँ गाइस, आपको क्या करना है, अपने कूलर का साइड का ढक्कन खोलना है। सबसे पहले गाइस आपको अपने कूलर के मोटर की पंखी घुमाकर देखना है, यदि आपकी पंखी फ्री घूमती है तो ये समझ जाइए कि आपका कूलर जाम नहीं है और आप लोग एक समस्या से बच सकते हैं। और यदि आपका कूलर जाम है तो आपको कूलर खोलना है और दोनों साइड अपनी बुशें लगी हो या बेरिंग, यदि बुशें लगी हो खोलने के बाद तो उस कूलर के अंदर आपको ग्रीस ऑयल डाल देना है, और यदि आपके कूलर के अंदर बैरिंग लगी है तो उसमें आपको ग्रीस लगा देना है। इस प्रकार से आपकी पहली समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद गाइस दूसरी समस्या ये हो सकती है कि आपके कूलर का कंडेंसर या कैपेसिटर खराब हो चुका है। इसमें भी गाइस जो कंडेंसर खराब होता है तो इसमें भी दो स्थिति पैदा हो जाती है। पहली स्थिति गाइस ये होती है आपका कंडेंसर है आधी स्थिति में खराब है या पूरी तरह से खराब हो चुका है। यदि आपका कंडेंसर पूरी तरह से खराब हो चुका है तो ये समझिए कि आपकी जो मोटर है गाइस बिल्कुल भी नहीं चलेगी, आपकी पंखी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और यदि आपका कंडेंसर थोड़ा बहुत आपके कंडेंसर में जान है तो आपका जो पंखा है बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। और इसके बाद गाइस ये समस्या आप लोग देखिए, कंडेंसर की समस्या समझकर गाइस आप लोग कंडेंसर चेक करके अपने कूलर की समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस यदि आपका कूलर में लाइट जाती है, आवाज देता है, खाली टिन्नाता आपका कूलर है लेकिन चलता नहीं है, क्या होता है गाइस आपके कूलर में कि ऐसे आपका कूलर फ्री चलता है और जब आप लाइट लगाते हो तो आपका कूलर जाम हो जाता है। तो देखिए गाइस इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपके कूलर के अंदर लाइट जाती है, फ्री चलता है, लेकिन जिस वक्त आप लोग अपने कूलर के अंदर लाइट लगाते हो तो उस वक्त आपकी जो कूलर की पंखी है जाम हो जाती है। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके कूलर की शाफ्ट बुशें कट चुकी हैं। हाँ गाइस, या फिर आपके कूलर के अंदर जो बैरिंग है वो बैरिंग कट चुकी है। अब गाइस यदि आप लोग बैरिंग या शाफ्ट बुश अपने घर पर चेंज कर सकते हैं तो उसे कर सकते हैं, या फिर उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि अपनी मोटर को कूलर से खोलें और दुकान पर ले जाएं। इसके बाद गाइस एक और प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम ये है, या फिर गाइस आपका कूलर है जल चुका है। अब कूलर जलने के लिए दोस्तों आप लोग कैसे पता लगाओगे कि आपका कूलर जल गया है, तो गाइस जले कूलर का आपको पता लगाने के लिए या तो जैसे ही आप कूलर का ये वाला ढक्कन खोलोगे तो आपका जो कूलर है एक बदबू या खुशबू कुछ भी कहें यानी कि आपका कूलर बसाने लगेगा। यदि आपके कूलर से बास नहीं आ रही है तो गाइस इसके बाद आपका जो कूलर है दो गाइस यदि आप लाइट में लगाकर उसे छीते हैं तो आपका कूलर करंट देता होगा, लेकिन आपको लाइट में लगाकर ट्राई नहीं करना है। हाँ यदि आपके पास टेस्टर है तो उसे लाइट में लगाकर आप लोग इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, या फिर गाइस जले का पता आप लोग इस प्रकार लगा सकते हो कि जैसे ही आप
कूलर के प्लग को लाइट में लगाते हो तो वहाँ पर फॉल्ट बनाता है। यदि वहाँ पर फॉल्ट बनाता है तो ये समझ जाइए कि आपका कूलर जल चुका है। और गाइस इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो कि बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम ये है कि आपके कूलर के कनेक्शन टूट गए हैं, कहीं से गलती से आपके कूलर के कनेक्शन टूट गए हैं। तो आपके कूलर के जो कनेक्शन होते हैं उन्हें आपको देखना है, यदि कहीं पर आपका जो वायर आयर है निकला हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको ज्वाइंट कर देना है, उसके बाद आपका कूलर चलने लगेगा। तो देखिए गाइस इस प्रकार से कूलर में समस्याएं आ सकती हैं। अब गाइस आपके कूलर में क्या समस्या है ये आपको देखना होगा, उसके बाद गाइस यदि आपसे हो सके तो आप घर पर कर लें, वरना गाइस आप अपने कूलर की मोटर निकालें और दुकान के पास ले जाएं, वहां से आप लोग करवा सकते हो, लेकिन गाइस प्रॉब्लम यही हो सकती है। तो गाइस वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।